तो आज हम आए थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, और हमारे साथ है राहुल भैया और ये रणवीर सिंह। तो सबसे पहले हम लोग गए H&M, और H&M में देखे हमने कुछ कपड़े और उनके प्राइस, और प्राइस देखने के बाद मेरे मुंह से एक ही चीज़ निकली, बाप रे बाप। तो इस जैकेट का प्राइस मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा था, तो इस जैकेट को इग्नोर करते हुए हम बड़े आगे, और हमने लिए राहुल भैया के लिए कुछ कपड़े, और थोड़ा इधर उधर देखने के बाद मुझे दिखी ये एक प्यारी सी हुडी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, और बस मुझसे रहा नहीं गया और मैं चला गया इसे ट्रायल करने के लिए। ट्रायल करने के बाद मुझ पर कुछ ऐसी दिख रही थी जिसे लेने का मुझे बहुत मन था। इसका प्राइस भी मेरे लिए एकदम परफेक्ट था, और जो परफेक्ट नहीं था वो था इसका साइज़ और हमारी किस्मत। तो हमने बाकी कपड़ों की कराई बिलिंग्स, और हम शो ऑफ करते करते बाहर आ गए, और हमें बाहर ज्वाइन किया हमारे दोस्त अवि ने, और फिर गए हम पूमा स्टोर, और मुझे दिखे यहाँ पे ये प्यारे से शूज़ पूमा कोको कोला एडिशन, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। और सबसे अच्छी प्यारी चीज़ लगी मुझे जो इसके पीछे लिखा था ये कोको कोला, लेकिन स्टोर में मुझे ये 12,000 रुपये का पड़ रहा था, और ऑनलाइन मुझे ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिल रहा था, तो मुझे लगा कि इसे ऑनलाइन ही मंगाना चाहिए। उसके बाद हम लोग गए होम स्टॉप, जहाँ पे हमें कुछ लेना तो नहीं था, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए आए थे, और इस स्टोर में इतना अच्छा म्यूज़िक चल रहा था जिसे सुन के मैं डांस करने लगा, और वो अविनाश ने रिकॉर्ड कर लिया। फिर हम वहाँ से निकल गए, और वहाँ से निकलने के बाद हमने ली प्यारी सी मेट्रो जो अभी अभी नई बनी थी, और सबसे प्यारा बना था इसका प्लेटफॉर्म, जहाँ पे प्लेटफॉर्म पे भी एक डोर था, तो मुझे ये सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी। एक और चीज़ मुझे प्यारी लगी वो थी ये काजू कतली जो अविनाश लेके आया था। तो गाइस जब तक हम इस काजू कतली को खाते तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं ऐसे ही मिनी ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye.